सऊदी किंग सलमान इतनी रहीसी के साथ सफर करते हैं कि उनके साथ 800 नौकर जिनमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं और कम से कम 30 से ज्यादा एरोप्लेन उनके आगे पीछे चलते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे सऊदी किंग अपना पैसा उड़ाते हैं। जब भी दुनिया के सबसे अहम लोग ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं उनके साथ उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स भी ट्रेवल करते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खतरे से बचाते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। और ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई में कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, अपने सर्वेंट्स, सेफ और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था और ये टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बन गया। किंग सलमान के पास दो बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200 और इसके अलावा उनके बेटे एम्बियंस यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग अलग एरोप्लेन्स मौजूद हैं। वहीं 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयार है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है जो किसी महल से कम नहीं होता क्योंकि इस तैयारी में सीट नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कन्फेक्शन रूम, पायलट डाइनिंग, सेटिंग एरिया और किचन भी फिट किया जाता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता कि वो अपने महल में है या फिर हवाई जहाज में क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं लगते। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का लगेज कैरी किया था जिनमें से उनकी दो प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्डन प्लेटर एस्केलेटर भी शामिल था। बता दें कि ये आलीशान लगेज सिर्फ उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया था बल्कि ये लगे 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। किंग सलमान के अलावा 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐशो आराम और सहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जब सऊदी के किंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे और तो और उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट भी सऊदी अरब से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल्टी मॉस्को शहर में आई तो शहर के दो सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया और जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनको कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां पर लाया गया। सिर्फ 4 रातों में इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खास मशहूर है। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए थे तो ये वहाँ पर भी हल्के नहीं पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन्स होटल्स के तमाम 222 के 222 कमरे ना सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया। किंग सलमान के होटल पहुंचने से पहले ही फोर सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट लैंप, बेडशीट, गोल्डन चेन और गोल्डन हैट रैप भी मौजूद थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट छा गए थे। आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलस गए थे तो उन्होंने भी इस फोर सीजन्स होटल्स के पूरे 285 स्वीट्स बुक कर दिए। ना सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोबलाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक तब्दील करवा दिया गया था और वह भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ खर्च हो गए थे लेकिन हैरत की बात ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था और ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए गए थे और वहाँ मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट जेट में सवार थे। मालदीव के उन 3 आइलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को
अटकने की भी इजाजत नहीं थी। और इस पूरे टूर के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के पूरे $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। 2015 में जब किंग सलमान बिन अब्दुल ने फ्रांस का दौरा किया था, वहाँ 1,00,000 लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ नाराजगी जताई थी, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहाँ किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद करा दिया गया था और पब्लिक बीच पर सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल कराए गए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।